यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को विनाशकारी और पाखंड का घोषणा पत्र बताया है। उनका कहना है कि राहुल के घोषणा पत्र से पाकिस्तान और कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि ये चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के बीच का है, जिसमें हर हालत में राष्ट्रवाद की जीत होगी। दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने आज शाहजहांपुर के निगोही विधानसभा में एक रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र राष्ट्रद्रोह की धारा समाप्त करने से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। उनका कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विनाशकारी है और पाखंड से भरा हुआ है, जिसको जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है और इस बार जीत आतंकवाद की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की होगी। राहुल गांधी देशद्रोह की बात कर रहे हैं। जो आतंकवादी हमारी सीमा में कभी, जब से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, कोई भी आतंकवादी जरूरत नहीं कर पाया कि देश की सीमा में वो प्रवेश करे। यदि किसी ने हिम्मत भी करने का काम किया तो हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे वहीं पर ढेर करने का काम किया। और जो राहुल गांधी जी जो कानून लाने का काम कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा, इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवादी देश की सीमा में घुसकर निर्दोष निर्मरा जनता को परेशान करने का काम करेंगे, इसलिए ये देशद्रोह का कानून है। राहुल गांधी को जनता सबक सिखाने का काम करेगी, चुनाव में उनका सफाया हो जाएगा, कांग्रेस के सभी सांसदों की जमानत जब्त होगी। ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव देशभक्त और देश विरोधी ताकतों के बीच चुनाव है, ये आतंकवाद और राष्ट्रभक्त के लोगों के बीच चुनाव है। सबका सच कहा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का चुनाव है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र सच कहा जाए तो ये पाखंड और एक तरीके से बिल्कुल विनाशकारी घोषणा पत्र है। इसको और गांव की भाषा में कहा जाए तो ये ढकोर संघ की घोषणा पत्र है, ये कुछ करने वाला घोषणा पत्र नहीं है, ये विनाशकारी घोषणा पत्र है।